What's up, परदेसी स्क्वाड, क्या हाल चाल है भाई सबके। आज का जो टॉपिक है वो है गेमिंग, और जो हमारी पॉपुलर गेम है फ्री फायर, उसकी आजकल इतनी हाइप मची हुई थी, इतनी मार्केटिंग चल रही थी भाई, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मुझे पता लगाना था कि भाई चल क्या रहा है, तो इसलिए भाई ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी। तो भाई जो मुझे दिखने को मिला और सीखने को मिला, आई वॉज अडिक्टेड। हमारी गेमिंग इंडस्ट्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आजकल की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, लोग पीसी से मोबाइल पे शिफ्ट हो रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में इस वक्त 269 मिलियन मोबाइल प्लेयर्स हैं। फ्री फायर वॉज वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड गेम्स लास्ट ईयर, और इस साल उनका एम है कि इसको बिगर एंड बेटर बनाना है। अरे गाइस, तो मैं इस वक्त बैठा हूं one of the greatest teams of Free Fire. Guys, welcome to Pradesi Squad headquarters. Thank you. ठीक ठाक है। सबसे पहले तो मुबारक हो, आप लोग बहुत बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हो। अच्छा जी, तो मुझे अब ये बताएं कि वो कहते हैं ना कि जो काम आप शौक से करते हैं तो वो उसमें मज़ा आता है। अब आप लोगों का करियर ई स्पोर्ट्स से जुड़ा है, तो आपको क्या फीलिंग आती है, लाइक आपको भी मज़ा आता है? ज़ाहिर सी बात है, मज़ा आ रहा है, तभी तो खेल रहे हो ना, अभी कुछ और कर रहे हो। तो कि जब मैंने जैसे वीडियोस जैसे शुरू की थी, और मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरा करियर बन जाएगा, तो आप लोगों के भी कुछ ऐसा ही था? नहीं नहीं, उस टाइम पे इसका मतलब एक नॉर्मल एक गेम की तरह इंस्टॉल की थी प्ले स्टोर से, वो भी एक दोस्त ने सजेस्ट की थी, तो उस टाइम नहीं था पता, बस खेलते गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पाकिस्तान का अपना सर्वर बना, फिर अलग टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए, फिर तब भी मतलब स्टार्ट एक आज टूर्नामेंट आए थे, तब भी कोई ऐसा फील नहीं हुआ था कि यार ये आगे इतना आगे जाएगा। फिर आगे तो भाई वो दोस्त का है जिसने आपको रेकमेंड, उसको तो दुआएं देनी चाहिए। मैं उसको जब मिलते मैं उसको ताने देता, तो मैंने कहा यार आपने मेरे 3 साल जाया कर दिए। ऐसे तो नहीं, लेकिन वो खेलते अभी भी? वो कभी कभी खेलते। लेकिन आपको वो क्या वक्त था जब आपको लगा कि नहीं यार ये अब मामला जो है ना गेमिंग से बढ़ गया, ये अब सीरियस हो गया, अब इसको सीरियस लेना चाहिए, वो कोई वक्त था? वो वक्त ऐसा था कि बाहर की टीम मतलब पाकिस्तान को इस तरह कितनी क्या फ्री किल्स हैं, ये है वो है, जाहिर सी बात है हम पाकिस्तानी जोश तो होता ही है, अब बस उनको दिखाना है कि हाँ भाई हम किसी से कम नहीं है। यार नसरीन तो बहुत मेहनत करती है, वो उसको तो कोई नहीं घास डालता, क्या बात है यार, कोई उसको भी टूर्नामेंट में खिला लो यार, उसको कोई सिखा देंगे नसरीन, खुद पैसे बनाए जा रहे हो उसको भी, तो उनको फिफ्थ प्लेयर रखेंगे, सब्स्टिट्यूट प्लेयर रखा वो हमारा कोच है, मैंने हमारे टीम में एक प्लेयर की कमी है, कमी है बस, ठीक है नसरीन डन है, नसरीन आ रही है ई-स्पोर्ट्स में, ई-स्पोर्ट्स में आ रही है। अच्छा जी, ये सवाल है फॉर रोमन एंड सैफ भाई, हमें सुना है कि आप लोगों ने FFPL जो है वो आपने जीत चुके हैं, और जो इनामात है वो भी काफ़ी इकट्ठे कर लिए, तो ज़रा हमें बताएं कि कितने मालोमाल हो गए हैं या कितना? मेरा तो ये है कि 16-18 के अराउंड मैंने 16-18 लैक्स के अराउंड मैंने मतलब अचीव किया है। माशाल्लाह नसरीन तो पक्की आ गई। मैं तभी कह रहा हूँ फिफ्थ प्लेयर रखने के लिए तैयार हूँ। जबरदस्त। और आप? मेरा 10 के आसपास है। इस उम्र में आके आप माशाल्लाह इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को कैसे लाइक क्या फीलिंग आती है, कोई अपने फ्यूचर प्लान किया हुआ है या क्या? मेरा तो ये ना मतलब 3 साल से मैं अब मतलब इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी फैमिली से कोई कहते हैं पॉकेट मनी वगैरह नहीं ले रहा, तो जाहिर सी बात है उनको भी खुशी होती, तभी सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ बच्चा खुद कर रहा है या जान छुट्टी। हाँ, अब वो मतलब जो मैंने कमाया सब कुछ किया वो सेव किया हुआ है कि आगे फ्यूचर में कुछ हेल्प मिलती है तो उसके मतलब माँ में इन्वेस्ट कर सकूँ ताकि। आई थिंक माँ बाप और फैमिली की सपोर्ट बहुत काउंट करती है, ऐसे ही उसके बगैर तो हो ही नहीं सकते। क्यों बिलाल, आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट करते हैं? स्टार्ट में तो नहीं करते, उनको उनको लग रहा है टाइम वेस्ट कर रहे हैं गेमिंग, लेकिन पहले आप पीसी पे करते थे उस पे नहीं? वो स्टार्ट में पीसी पे खेलता था, बट वो मैं लिमिट टाइम पे खेलता था, ठीक है, बट जब फ्री फायर स्टार्ट की मोबाइल पे तो वो एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा खेल रहा होता था, स्टडी पे भी वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो उस वजह से उनको थोड़ा बुरा लग रहा था वो चीज़। बट बाद में जब टूर्नामेंट आए, बाहर गया मैं टूर्नामेंट्स खेल ले, उन्होंने देखे कि मतलब हाँ ये चीज़ मतलब कुछ है इसमें, उसके बाद मतलब उन्होंने भी अब पता चल गया उनका कि हाँ यार टाइम वेस्ट नहीं है, कुछ कर रहा है, तो जो कमाया भी वो भी मतलब घर को घर वालों को भी दे रहा हूँ, खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, बस जिधर काम आते हैं उधर यूज़ हो रहे हैं। और आप सपोर्ट करते होंगे कि बेटा और खेलो, जितना खेलना है खेलो। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि ई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में और एक्चुअल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में कितना फ़र्क है, लाइक कोई उंगलियों का जिम है जहाँ पे जाना पड़ता है, डंबल ऐसे ऐसे उठाने पड़ते हैं, और क्या सीन है? कुछ उंगलियों का भी है, कुछ नज़र का भी है, कुछ दिमाग का भी है ई स्पोर्ट्स में, दूसरे में जो है ना वो तो फिर आप
फिटनेस पे होता है, आप जितने फिट हो आप फुटबॉल खेलते हो तो उसके लिए आप तो इसके लिए क्या कोई कुछ कुछ खाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ टिप्स दे देना हमें भी। बस प्रैक्टिस, इसके लिए बस खेलते जाओ, जितना खेलोगे उतना आप सीखोगे। खेलते जाओ, बस खेलते जाओ, ये ऐसी चीज है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। वही वही तो अच्छे प्लेयर है, उनकी यूट्यूब पे वीडियो होते हैं टिप एंड ट्रिक्स, उधर से भी बंदे को आइडिया हो जाते हैं। स्टार्ट में जो न्यू होता है काफी मतलब गाइड वाली वीडियो पड़ी हुई यूट्यूब पे, मेरी वीडियो देख रहे हो ये ताने मार रहा है ये देख। सही बात है, एक दूसरे से सीखते हैं ना। गुड है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखते रहते, इसकी भी देखते, बाकी भी देखते, ब्लैकी के भी देखते हैं। अभी के जो प्लेयर्स हैं ना, मतलब बहुत इजी हो गया है। जब जिस टाइम हमने स्टार्ट की तो उस टाइम इतने यूट्यूबर नहीं थे, तो हमें जो करना था खुद करना था। नहीं होते इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, आप तीनों जो हो MVP प्लेयर्स कहते हैं जी, जी उसका क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब कि आप तीनों टॉप रैंकिंग में हैं या क्या, थोड़ा सा हमें समझाएं। इसका मतलब ये होता है कि टॉप 10 MVP का मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मतलब जो सबसे रैंक में सबसे ऊपर है। टॉप 10 में मतलब हम तीन हैं, आप तीनों फर्स्ट पे वो है। अच्छा, मतलब उसके नीचे आगे है, मतलब 8 पे मैं हूँ, 9th पे, 7th पे, इस तरह 7th पे। बिलाल आप फर्स्ट पे हो, क्या बात है यार, पकड़े नहीं जा रहे आप तो। अच्छा जी, हम मान लेते हैं कि आप लोगों ने FFPL जीत लिए, ठीक है, और फिर आपने FFW क्या कहते हैं FFWS उसमें भी आपने टॉप पोजीशन ले लिए, तो माशाल्लाह 40 करोड़ का करेंगे क्या, ये जरा हमें बता देंगे। फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। नहीं, फिर ऐसे करेंगे हम भी, दो शायरी करेंगे। ये कौन सी बात है? आए हो, नहीं आपको 40 करोड़ बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई, ऐसे खत्म होंगे आपके ऐसे। अच्छा चलिए, करोड़ों की तो हम बात कर ही रहे हैं, मुझे ये पता है करोड़ में कितने जीरो होते हैं? आई थिंक 7 8 होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जो ई स्पोर्ट्स है हमारे पाकिस्तान का क्या लेवल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज? फिलहाल तो हम बहुत पीछे हैं, उनके सर्वर बहुत लेट मिले हमें। 2 साल 4 साल ब्राज़ील में ख्याल से, 3 साल ना, और इंडिया से मेरे ख्याल से 2 साल पीछे हैं। मतलब अदर कंट्रीज काफ़ी आगे हैं हमसे, मतलब 2 साल उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, तो अभी हम कैच अप कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा मुझे चलिए ये बताया, अगर आप रिश्ता लेने जाएंगे तो क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? अब वो पूछेंगे अंकल के, जी बेटा क्या करते हो आप? मुझे एक पता है, एक बात पता है, अगर ये जीता नसरीन का रिश्ता पक्का है। यार नसरीन के आगे पीछे इतने लोग हैं। नहीं लेकिन फिर भी अपने आप को क्या कहोगे, मैं प्लेयर हूँ जी? और नहीं अभी तो नहीं करना, मतलब एक लेवल पे पहुंच जाए, मतलब नहीं लेकिन सपोज कल ही रिश्ता आ जाता है, ये तो क्या कहेंगे? पूरा दिन घर में पड़े रहते कमरे में। नहीं आई थिंक अगर आप वो उनको अनामात बताएंगे तो अंकल कहेंगे ये बेटा ये लो हाथ ले जाओ। मुझे लगता है ना अब ऐसा है कि मतलब ई स्पोर्ट्स से ना आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लाजमी मिलेगा जिसके बेसिस पे आप कर सकते हैं, आपके पास कुछ हो शो करने के लिए, शादी दिखाने के लिए क्या? हाँ भाई, या मैं यूट्यूबर हूँ या मतलब ई स्पोर्ट बड़ा होता है। अब मुझे याद है कि यूट्यूबर भी हम बताते थे कि हम यूट्यूबर हैं, तो उसको भी वो कहते थे नहीं बेटा आप काम क्या करते हो, नहीं यूट्यूबर हैं। अभी ऐसा ही अब मैं किसी को बोला नहीं, मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर। वो क्या होता है? फिर मैं समझाता हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे होता है। अच्छा फिर से मतलब उनको पूरी समझ नहीं लग जाती है, बहुत कम लोग अवेयरनेस इस चीज की ना, अभी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रो हो रहा है, आज सबको पता चलेगा कि हाँ भाई ई स्पोर्ट्स ये है, यूट्यूबर्स ये होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं ब्लैक हॉक किसका नाम है? ठीक है, आप ये आपका प्लेयर नेम है? जी जी। तो ब्लैक हॉक कैसे आपने ये लाइक ये नेम्स आप कैसे सोचते हैं अपने जो प्लेयर नेम्स होते हैं? स्टार्ट में तो मैंने कुछ और नाम रखा था, बट ये मैंने एक मूवी देखी थी ब्लैक हॉक डाउन। अच्छा। उस टाइम तो नाम थोड़ा यूनिक था, तो बस उस टाइम मैंने रख लिया, तो लोग पसंद करने लगे, मुझे खुद मतलब अच्छा लगने लगा, एक प्रो प्लेयर का नेम लग रहा था। पहले क्या था? गनर। गनर, ओके। हाँ, इसे नॉर्मल। नहीं यार ब्लैक हॉक तो बाकी डिफरेंट है, यूनिक है। गंजा। गंजा दूर बैठा, आवाज कम आई तो गंजा। गंजा भी ठीक है यार, व्हाई नॉट। अच्छा रोमन जी मुझे आप ये बताएं कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी है पुरानी। कौन सी वाली? बहुत पुरानी, जिसमें आपने ऐसे पोज मार रहे हैं ग्लासेस लगा के और इस तरह। अच्छा। बहुत पुरानी तस्वीर है आपकी। हाँ जी। तो और उसमें फिर आपका एक ट्रांजिशन दिखाया है,
मेहनत की है तो टॉम क्रूज सीधा टॉम क्रूज में आपने हिट किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों की जो टीम्स है किसकी टीम इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग जा रही है और किसके आपको लगते हैं ज़्यादा चांसेस हैं विन होने के? फिलहाल तो मैं अपनी टीम की बात करूँ, टॉप वन किया है मतलब जो ग्रुप स्टेजेस हुए हमारे, तो बाकी सारी टीम्स भी अच्छी हैं लेकिन फिलहाल फुल कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह अल्लाह जितवाएगा। और एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? टोटल होते हैं 5 या 1 उसमें सब्स्टिट्यूट होता है, 4 एक टाइम खेल सकते हैं, मतलब किसी को कोई इशू आ जाए या मतलब किसी परफॉर्मेंस ना हो रही तो फिर नसरीन आ जाए। नसरीन किसकी टीम में जाएगी आप? हमारी टीम में पहले बता दिया आपको, आपने बुकिंग कर ली है यानी अभी हमारी टीम में अभी 4 प्लेयर है। अच्छा, और एक की कमी है। एक की कमी है बस, ठीक है। आपको पता है ना नसरीन में वाकई खेल चुकी है फ्री फायर, एक वीडियो में उसने बड़ी गेमिंग की है फ्री फायर में। और नसरीन के अलावा इंस्पेक्टर बुल्ला आपने देखे होंगे, इंस्पेक्टर बुल्ला ने बड़ी खेली है फ्री फायर। और बुल्ला की गेम प्ले कैसी लगी आपको? रोमन तो छुप गया था सोफे के पीछे, मैं कह ये बंदा आ जाए तो फिर हमारा खेल। भूया तो गाइज जाने से पहले प्लीज डू शो योर सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द फ्री फायर पाकिस्तान लीग सीजन 4 का जो फाइनल है जो कि 16th of October को होने जा रहा है, जो कि लिटरली कुछ दिन बाद है। सो गाइज प्लीज बी रेडी, शो योर सपोर्ट एंड यू कैन वॉच दिस ओनली ऑन फ्री फायर ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सो गाइज टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।